हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आ गए हम मार्केट एनालिसिस वीडियो के साथ, जिसमें हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ इंट्राडे स्टॉक्स देखेंगे कल के लिए। तो हमने बैंक निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट खोल रखा है, और अगर हम देखें वन डे टाइम फ्रेम पे तो दो कैंडल बॉटम पे बनी है, जिसमें एक लॉन्ग विक रिजेक्शन मिला है डाउन साइड से। तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। और अगर हम देखें तो ये एक छोटी सी रेंज में 42,300 और 41,800 इसी दो रेंज के बीच में 2 दिन से चल रहा है। और ये वन डे टाइम फ्रेम पे दोनों कैंडल बुलिश कैंडल है, ये पिन बार कैंडल है, तो ये ट्रेंड रिवर्सल कर सकती है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम चले और देखें तो हमने जो कल लेवल दिए थे, मार्केट उन्हीं लेवलों पे चल रहा है। जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ और इस लेवल से सपोर्ट मिला मार्केट को, और फिर से इस लेवल के पास मार्केट क्लोज हो गया। तो कल क्या हो सकता है, कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे दोस्तों? एक फर्स्ट हाफ में एक सेलिंग देखने का, सेकेंड हाफ में एक रिकवरी आई। तो अगर हम थोड़ा और अच्छे से देखें चार्ट को, तो अब मार्केट बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस ये लेवल भी है 42,070, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है फिलहाल अभी। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है, इसे हम थोड़ा और सही कर देते हैं, 42,100 ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आप लोगों को बाइंग साइड एक अच्छा ट्रेड यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, जो कि 42,300 है। और अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है 300-400 पॉइंट की बैंक निफ्टी में। और अगर 42,300 का लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद सीधे आप लोग 42,700 तक के लेवल देख सकते हैं। और अगर हम डाउन साइड बात करें तो अगर यहाँ से भी रेजिस्टेंस मिलता है तो सीधे इस लेवल पे आएगा, जो कि 41,760 इस लेवल पे आएगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है डाउन साइड तो एक फास्ट मूवमेंट आ सकती है डाउन साइड 41,500 तक। और अगर हम थोड़ा और बड़े टाइम फ्रेम पे चलें तो अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो हमें यहाँ तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो कि 41,300 के आसपास है। और अगर हम चार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा बहुत बियरिश दिख रहा है, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल और ये निक लाइन। तो 15 मिनट में चार्ट बियरिश दिख रहा है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है, यानी 41,760 का लेवल ब्रेक होता है, तो एक काफ़ी बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है दोस्तों। और अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, जिससे बार बार प्राइस को रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो एक अपसाइड फास्ट मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और अगर कल इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस मिलता है तो प्राइस को रिजेक्शन मिल सकता है। तो आपको इस ट्रेंड लाइन पर नज़र रखनी है, क्या प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है या इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहा है। तो चलिए हम निफ्टी देख लेते हैं। अगर निफ्टी को वन डे टाइम फ्रेम पे करें तो आप लोग देख सकते हैं निफ्टी में भी वही सेम कैंडल बनी है, लॉन्ग विक रिजेक्शन, पिन बार टाइप की कैंडल और बॉटम पे है। और आज इस लो को भी निफ्टी ब्रेक कर दिया था, लेकिन यहाँ से एक अच्छी रिकवरी आई और सेकेंड हाफ में एक बाइंग मोमेंट दिखा। और ये लॉन्ग विक रिजेक्शन है तो समझ सकते हैं कि शायद यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलें तो निफ्टी भी काफ़ी वोलेटाइल रहा, पहले एक रेंज में चला जो कि 17,800 से लेके 17,970 इस रेंज में चला। और फिर ये रेंज ब्रेक हुई तो जो हमने नेक्स्ट लेवल दिया था 17,780, यहाँ से प्राइस को सपोर्ट मिला और फिर से प्राइस उसी रेंज में जा रहा था। और देख सकते हैं हमने मार्केट सेम इन लेवलों पे वर्क करता है, प्राइस ओपन हुआ, यहाँ सपोर्ट मिला, यहाँ से रेजिस्टेंस कंसोलिडेट किया, ये लेवल ब्रेक हुआ, फिर से इस लेवल से सपोर्ट लिया। तो चार्ट हमें सब कुछ बोलते हैं, चार्ट में सब कुछ दिखता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि मार्केट के कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं। अब इसमें अगर ये लेवल ब्रेक हो चुका है तो आपको यहाँ तक एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे हो चुका है, और उसके बाद ये एक लेवल है, तो ये दोनों लेवल रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कल क्या हो सकता है। अगर देखें तो इसमें भी आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, और फिलहाल प्राइस एकदम ट्रेंड लाइन के पास ही क्लोज हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे दोनों अपॉर्चुनिटी हम लोगों के पास है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, और अगर डाउन साइड रिजेक्शन मिलता है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी। और अगर हम देखें तो फिलहाल निफ्टी में जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक हो जाता, यानी 17,930 ये लेवल नहीं ब्रेक हो जाता, बाइंग के लिए नहीं ट्राई करेंगे। और ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो ये लेवल ब्रेक हो जाएगा, और आप लोगों को यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अब निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस है 17,930 के आसपास। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, और अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो एक काफ़ी बड़ा मूवमेंट निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो चलिए डाउन साइड बात कर लेते हैं। डाउन साइड ये इंपॉर्टेंट लेवल है 17,780, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, प्राइस दो बार इस लेवल से सपोर्ट ले चुका है। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो एक काफ़ी बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगर हम वन डे टाइम फ्रेम पे चलें
और देखें तो प्राइस में यहाँ तक फॉल आ सकते हैं, 20,660 तक के लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है। और आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन पे भी नज़र रखनी है, ट्रेंड लाइन कैसा वर्क करेगी आप लोगों को देखना है। अगर यहाँ से इन बुलिश कैंडल बनती है तो आप लोग बाइंग कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर रिजेक्शन मिलता है आप लोग सेलिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ इंटरेस्ट स्टॉक देख लेते हैं कल के लिए। ICICI बैंक अगर हम देखें तो ये भी बैंक निफ्टी और निफ्टी की तरह ट्रेंड लाइन पे है, 863 ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ पे कल ये लेवल ब्रेक होता है, एक काफ़ी बड़ी ग्रीन कैंडल या फिर ओपनिंग टाइम एक अच्छी बुलिश कैंडल दिखती हैं और ये लेवल ब्रेक होता है, तो आप लोग बाय कर सकते हैं। और आप लोगों का आपका टारगेट रहेगा ये वाला ले, काफ़ी बड़ा टारगेट हो गया, लगभग 1.5% का टारगेट हो गया। तो अगर आप लोगों को 1% मिल जाए तो आप लोग टारगेट बुक कर सकते हैं या फिर पिवोट पॉइंट का यूज़ करके टारगेट ले सकते हैं। वैसे अगर इसमें फास्ट मूवमेंट आए तो यहाँ तक का टारगेट आप लोग ले सकते हैं। और अगर डाउन साइड ये लेवल ब्रेक होता है यानी 855 ये लेवल ब्रेक होता है तो आप लोग डाउन साइड भी ट्रेड ले सकते हैं और अप्रोक्स 1% का टारगेट बना सकते हैं या पिवोट पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है TCS। अगर हम TCS देखें तो TCS में एक अच्छा बाइंग मोमेंट आके प्राइस अप कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। अगर हम एक रेंज बना दें तो आप लोग देख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर TCS कंसोलिडेट किया आज पूरे दिन, एक बुलिश फ्लैग सा पैटर्न है, इसमें काफ़ी अच्छी रैली आई, अब यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर कल ये लेवल ब्रेक होता है यानी 3348 का लेवल ब्रेक होता है तो टारगेट के लिए आप लोग थोड़ा हम बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं और टारगेट के लिए लेवल ढूंढ लेते हैं। आप लोग पहला टारगेट यहाँ तक का ले सकते हैं अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलें। अगर 3348 का लेवल ब्रेक होता है तो आप लोग 3375 तक के टारगेट ले सकते हैं दोस्तों। DLF अगर हम DLF देखें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे तो आप लोग देख सकते हैं ये भी एक रेंज में काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था और आज क्लोजिंग मिली है और एकदम ये रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग मिली है। और कैंडल का साइज आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बड़ी कैंडल है और एकदम क्लोजिंग और हाई एकदम पास में है। तो अगर कल लेवल ब्रेक होता है यानी 376 का लेवल ब्रेक होता है तो आप लोग यहाँ तक के टारगेट ले सकते हैं। तो आपका पहला टारगेट 381 हो सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखें तो आप लोग देख सकते हैं प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। आप लोग देख सकते हैं प्राइस में काफ़ी अच्छा मूवमेंट आके एक रेंज में है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और ये एक रेजिस्टेंस है 1324 का। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 1324 प्रेजेंटल लेवल ब्रेक होता है तो आप लोग यहाँ से 1% तक के टारगेट ले सकते हैं या फिर 1% तक के टारगेट ले सकते हैं या फिर पिवोट पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये सिर्फ बाइंग के लिए है, अगर ये हॉरिजॉन्टल लेवल ब्रेक होता है तो आप लोग यहाँ से 1% टारगेट ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट इंट्राडे स्टॉक देख लें, HDFC बैंक। अगर हम देखें तो HDFC बैंक एक अपना सपोर्ट ब्रेक करके नीचे अगर हम देखें तो ये बॉटम पे अपने कप एंड हैंडल पैटर्न बना चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और अगर ये कप एंड हैंडल पैटर्न की नेक लाइन यानी 1600 का लेवल ब्रेक होता है तो आप लोग 1610 यहाँ तक के टारगेट, पहला टारगेट आप लोगों को 1610 होगा और दूसरा टारगेट 1620 तक के ले सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है अंबुजा। अगर हम देखें तो अंबुजा में भी एक सेलिंग आने के बाद बॉटम पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन चुका है, तो अगर इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल की ट्रेंड लाइन ब्रेक होंगी तो आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। बाइंग साइड के लिए आप लोग पहला टारगेट इस लेवल को बना सकते हैं और डाउन साइड यहाँ तक के पहले टारगेट ले सकते हैं दोस्तों। तो पहला टारगेट बाइंग के लिए 517 का है और डाउन साइड 502 का है। अगर 512 का हॉरिजॉन्टल लेवल ब्रेक होता है तो आप बाय कर सकते हैं और 508 ये डाउन साइड लेवल ब्रेक हो तो आप लोग यहाँ तक के टारगेट यानी 502 तक के टारगेट ले सकते हैं। तो मार्केट एनालिसिस वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।